हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द होम मेकर। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी एंड सॉफ्ट दही बड़े की रेसिपी लाई हूँ, जो कि समर्स में एकदम परफेक्ट स्नैक है और आपको ठंडक देगा। प्लीज ट्राई करिएगा। लेट्स सी द रेसिपी। दही वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक कप उड़द दाल, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिया है। और हम लेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा जिसको पील करके काट लिया है, सॉल्ट स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, तलने के लिए तेल। टॉपिंग्स के लिए मैंने यहाँ लिया है कर्ड, स्वीट टैंगी डेट की चटनी, रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और क्रश्ड मिंट लीव्स। आप चाहें तो धनिया भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले भीगी हुई दाल को ड्रेन कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर मैंने ये दाल को एक मिक्सर के पॉट में डाल दिया है। उसके साथ मैंने अदरक हरी मिर्ची तोड़कर डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक। इस दाल को पीसते समय हमको बहुत कम पानी डालना है, इसलिए पहले मैं दाल को पीसूंगी और अगर लगेगा तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मीडियम कोर्स मिक्सचर पे करना है आपको। दाल के पिसे दाल को एक बर्तन में निकाल लीजिए। उसमें मैंने जीरा डाला है, ये ऑप्शनल है। और फिर इस पिसे हुई दाल को अच्छे से फेंटना है 5 से 10 मिनट तक। ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाला है। और फिर इसको अच्छे से फेंटना है जब तक ये दाल का मिक्सचर थोड़ा फ्लफी एंड वाइट ना हो जाए। और इसको फेंटते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है। रुक रुक के 5 से 10 मिनट आप इसको फेंट सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा फ्लफी होता जा रहा है, दैट मीन्स कि ये दाल के मिक्सचर में अच्छे से हवा आ गई है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये बन तैयार है कि नहीं, तो एक कप में आप पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा एक छोटा वड़ा बना के देखिए। अगर वो फ्लोट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये अच्छा फ्लफी बन चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वड़ा फ्लोट हो रहा है। उसके बाद हम इस वड़े में को तल लेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। जब
जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसको छोटे छोटे वड़े बना के तल लीजिए। तलते समय आंच को मीडियम रखना है ताकि वो वड़े अच्छे से अंदर तक तले। हाथ में थोड़ा पानी लगा के वड़े बनाएंगे तो जो दाल है वो अच्छे से स्लाइड होगी और हाथों को कम चिपकेगी। ऐसे सारे वड़े बना लीजिए और मीडियम आंच पर इनको पलट के तलिए। जब आप इसको डालेंगे तो हो सकता है वड़े चिपके, बट जब वो थोड़े तल जाएंगे तो वो आपस में ऐसे अलग हो जाएंगे। जब ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो वड़ों को निकाल कर पानी में डाल दीजिए। ये पानी रूम टेम्परेचर वाटर ही है। आप चाहें तो थोड़ा कुनकुना पानी भी ले सकते हैं, पर गर्म वड़े डालेंगे तो ये वाटर अपने आप वार्म हो जाता है। ऐसे ही बाकी सारे वड़े तल लीजिए। आप चाहें तो बड़े और छोटे अपने हिसाब से आप इनका साइज डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज के बड़े बनाए हैं और इन सबको पानी में भिगा दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर ये बड़े तैर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इसमें एक के ऊपर एक प्लेट रख दी है और उसके ऊपर थोड़ा भार रख दीजिए ताकि सारे बड़े पानी में डूबे रहें। ऐसा 15-20 मिनट्स इन वड़ों को पानी में डूबे रखिए। उसके बाद हम असेंबल करेंगे अपने दही वड़े। इसके लिए सबसे पहले मैंने दही को चला लिया है। अगर आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। वड़ों को थोड़ा प्रेस करके थोड़ा पानी निकाल लीजिए और उसको एक प्लेट में रख दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर दही डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पे खट्टी मीठी चटनी डाली है। उसके ऊपर हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे और क्रश्ड ड्राई मिंट लीव्स डालेंगे। हमारा सॉफ्ट एंड स्पंजी दही वड़ा रेडी है। ये कितना कलरफुल एंड टेस्टी लग रहा है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। होप आपको ये टेस्टी दही वड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। We'll be right back.